तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ अर्क और आप देख रहे हो हाईटेक ब्रो। दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज का वीडियो होगा 8,000 रुपीज का स्मार्टफोन के बारे में। मैं पहले 100 रुपीज 5,000 का स्मार्टफोन के बारे में वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन दोस्तों 5,000 रुपीज के अंदर में स्मार्टफोन उतना ज्यादा कुछ काम का नहीं है। लेकिन अगर आप आपका बजट 2-3 हजार से और बढ़ा देते हो तो आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उन्हीं में से हम लोग इस वीडियो में आप लोग के लिए बेस्ट 5 पिक किए हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आप लोग को अलग अलग ब्रांड्स का फोन दिखेगा, आप अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड लवर हो तो उसके हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हो। सो वीडियो आगे पूरा एंजॉय कीजिए। वैसे दोस्तों हम लोग का चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज हम लोग चैनल हाइटेक ब्रो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हम लोग जब भी एक नया वीडियो डाले आपके पास सबसे जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज एटलीस्ट एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी ग्रो कर पाए और आपको भी भरपूर टेक्नोलॉजी मिलते रहे। और दोस्तों आगे अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। तो नंबर 5 में हम लोग का पास में है सैमसंग का गैलेक्सी M02। इसमें आप लोग 6.5 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग को मीडिया टेक का क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस आप लोग को दे देगा। कैमरे के बारे में बात करें तो पीछे में आप लोग को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 13+2 मेगापिक्सल का, और सामने में आप लोग को एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसके साथ आप लोग को इसमें 5000 mAh बैटरी भी देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर दोस्तों अगर आप लोग को सैमसंग का फोन चाहिए और आपका बजट 8,000 के करीब है तो ये फोन आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी इसका अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो 3G+32G वेरिएंट है वो आप लोग को 8,000 के अंदर में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ऑफर्स वगैरह में आपको ये फोन 7,500 के अंदर में भी देखने को मिल सकता है। बेस्ट बाय लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग का लिस्ट में जितना भी सारा फोन है उन सबका बेस्ट बाय लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वहाँ से आप लोग खरीदते हो तो हम लोग चैनल को थोड़ा सा मदद मिल जाता है ऐसे और वीडियो आप लोग के लिए लाने के लिए। तो अगर आप लोग इनमें से कोई भी फोन खरीदना है तो हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों उसके बाद 4th नंबर पे हम लोग का पास है शाओमी पोको C3। इसमें आप लोग 6.53 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों इसमें आप लोग को मीडियाटेक का हीलियो G35 मिलता है, जो इस प्राइस सेगमेंट में माना जो बेस्ट प्रोसेसर है। कैमरे के बारे में बात करें दोस्तों इसमें आप लोग ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है पीछे में 13+2+2 मेगापिक्सल का, और सामने में आप लोग 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसके साथ आप लोग को इसमें 5,000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों इसके जो 3G+32G वाला वेरियंट है वो आप लोग को मिल जाएगा 7,500 रुपए के अंदर में। बाकी अगर आप लोग अपने बजट से 500 रुपए बढ़ा सकते हो, यानी कि इस फोन के लिए आप लोग अगर 8,500 खर्चा कर सकते हो, देन आप लोग को इस फोन का 4G+64G वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद 3rd नंबर पे हम लोग का पास है रियलमी का तरफ से रियलमी C21। इसमें आप लोग 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों इसमें भी आप लोग को मीडियाटेक का हीलियो G35 मिल जाता है, जो काफी बढ़िया प्रोसेसर है जैसे कि मैंने आप लोग पहले ही बताया। कैमरे के बारे में बात करें दोस्तों इसमें भी आप लोग को पीछे में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 13+2+2 मेगापिक्सल का, और सामने में भी आप लोग को 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसके साथ आप लोग इसमें 5,000 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों दोनों ही फोन काफी सिमिलर से स्पेक्स लेकर आता है, पोको C3 और रियलमी C21, बट एक बड़ा डिफरेंस है इसमें। इस फोन में यानी कि रियलमी C21 में आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो बाकी दो यानी कि 4th और 5th फोन्स में नहीं था। तो आप लोग अगर सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी चाहिए देन आप लोग इस फोन की तरफ देख सकते हो। प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों इसका जो 3G+32G वाला वेरिएंट है वो आप लोग को 8,000 का पड़ेगा, यानी कि पोको C3 से 500 रुपए ज्यादा है, जिसमें आप लोग एक फिंगरप्रिंट सेंसर एक्स्ट्रा मिलता है। तो अभी आपका डिसीजन है आप लोग किस फोन के साथ जाना है। बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग का पास है Xiaomi के तरफ से Redmi 9i। इसमें आप लोग 6.53 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों इसमें आप लोग मीडियाटेक का हीलियो G25 मिलता है। अगर G35 और G25 आप लोग कंपेयर करते हो तो ज्यादा कुछ डिफरेंस आप लोग नहीं मिलता है, बस कुछ क्लॉक स्पीड का इधर उधर किया हुआ है। बाकी आप लोग सिमिलर से परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा दोनों में। कैमरे के बारे में बात करें दोस्तों इसमें आप लोग सिंगल कैमरा मिलता है पीछे में 13 मेगापिक्सल का, और सामने में आप लोग 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फाइनली बैटरी के बारे में बात करें दोस्तों इसमें भी आप लोग 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों इस फोन को नंबर 2nd पे रखने का मेन रीजन है कि आप लोगों को इस प्राइस सेगमेंट में यानी कि 8,000 के अंदर में इसका 4G+64G वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो अभी तक बाकी तीनों फोन में नहीं था। और 8,000 के अंदर में 4+64 आप लोगों को बहुत ही कम फोन्स में देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस फोन को हम लोग नंबर 2nd पे रखे हैं। दोस्तों फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 1 पे हम लोग का पास है माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स In1B। इसमें आप लोग 6.52 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें भी आप लोग को मीडियाटेक का हीलियो G35 मिलता है, जो काफी बढ़िया प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह आप लोग आराम से कर सकते हो। कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें आप लोग डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है पीछे में 13+2 मेगापिक्सल का, और सामने में आप लोग 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, बाकी जितने भी फोन था उन सब में आप लोग 5 मेगापिक्सल का ही सिर्फ सेल्फी कैमरा मिल रहा था, लेकिन इसमें आप लोग 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज पॉइंट है। और दोस्तों इसके साथ आप लोग को इसमें 5,000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और एक इंटरेस्टिंग सा बात है दोस्तों, एक्चुअली एक नहीं दो है, इसमें आप लोग USB Type-C भी देखने को मिलता है, और साथ में आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा बात है, माइक्रोमैक्स आप लोग स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, तो एड्स वगैरह का झंझट आप लोग को नहीं होगा। प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो 4G+64G वाला वेरिएंट है वो आप लोग को मिल जाएगा 8,000 रुपए के अंदर में। अगर आप लोग माइक्रोमैक्स ब्रांड पसंद है तो आप लोग आग बंद करके इस फोन के साथ जाइए, क्योंकि इतना सारा स्पेसिफिकेशन 8,000 के अंदर में आप लोग कोई फोन नहीं देगा, प्लस आप
आप लोग को इसमें स्टॉक एंड्रॉइड भी मिलता है, तो आप लोग को ये फोन यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले और एक फोन के बारे में मेंशन करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लोग लाते रहते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मजा आएगा। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका हिसाब से कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों फाइनली जो स्पेशल मेंशन वाला फोन है हम लोग का लिस्ट में, उसका नाम है रियलमी नार्जो 30 ए। इसमें आप लोग 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग मीडियाटेक का हीलियो G85 मिलता है। दोस्तों हीलियो G85 आप लोग 10-11 हजार के फोन में देखने को मिलता है, बट इस फोन में आप लोग को मिल रहा है। तो बाकी उसके साथ आप लोग इसमें 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है पीछे में, और सामने में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसके साथ आप लोग इसमें बहुत ही बड़ा 6000 mAh की बैटरी मिलता है, जो 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसमें भी आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फाइनली अगर प्राइस के बारे में बात करें तो ये फोन का स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 3+32 GB, लेकिन इसका प्राइस सिर्फ 8,500 है। 8,500 में मीडियाटेक का हीलियो G85 मिलना बहुत ही बड़ा बात है। तो अगर आप लोग 8,500 से 500 रुपए एक्स्ट्रा लगाते हो, 8,500, तो आपके लिए ये फोन दी बेस्ट होगा। तो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप लोग आग बंद करके इसको ले लीजिएगा। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैंने जैसे आप लोग बताया, अगर आप 500 रुपए ज्यादा लगा सकते हो देन आप लोग रियलमी नार्जो 30 ए के साथ जाइए। बाकी अगर आपका बजट एकदम 8,000 ही है तो आप लोग माइक्रोमैक्स इनबी के साथ जाइए, ये बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है। बाकी सारे फोन हम लोग का लिस्ट में आप लोग ब्रांड वाइज मिल ही जाएगा, आप लोग को जो ब्रांड पसंद आता है उसके साथ भी आप लोग जा सकते हो। सभी का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आप लोग 10,000 के अंदर में बेस्ट फोन देखना है तो उसका भी लिंक आप लोग आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 97% लोग अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, और जाते जाते वीडियो के लाइक जरूर दे देना। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।